you हेलो हेलो वीडियो देखने वालों आप देख रहे हैं चैनल भूखा और शो का नाम है शौकीन शेफ जी हाँ शौकीन शेफ में मैं बहुत ही सिंपल सिंपल रेसिपीज दिखाता हूँ और आज वही एक सिंपल रेसिपी मटन की जी हाँ मटन की और इस रेसिपी की खासियत ये है कि ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगते और ज़्यादा बनाने में टाइम भी नहीं लगता तो क्या है रेसिपी चलिए मेरे साथ किचन में लेट्स गो। और हाँ एक मिनट एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो गए हैं वो प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करें आपके प्लाज्मा डोनेट करने से और भी लोगों की जान बच सकती है प्लीज़ आगे आइए दिल्ली में डोनेशन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है और मुझे ये लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पक्का होंगे आप आगे आइए दूसरों की लाइफ भी सेव करिए अगर आपके जान पहचान वाले यार दोस्त कोई ठीक हुए हैं उनको भी थोड़ा इनकरेज करिए कि वो दूसरों की मदद करें तो चलिए मेरे साथ अब रेसिपी देखते हैं तो चलिए एक बढ़िया सा लाजवाब आज मटन बनाते हैं और मटन हम बड़ा सिंपल कुकर में बनाएंगे और ये मैंने ढाई तीन सौ ग्राम मटन ले लिया है बढ़िया फ्रेश कटा हुआ मटन सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज जी हाँ प्याज एक बड़ा मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ सबसे पहले क्या जी प्याज अब अगला नंबर भाई थोड़ी सी हम इसमें मिर्चें मैंने दो बड़े साइज़ मीडियम साइज़ की मिर्चें ली हैं लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे हरी मिर्चों से फ्लेवर लाएंगे इसके बाद नमक धनिया पाउडर और काली मिर्च जी हाँ ये तीनों मसाले गए अगली बारी हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट की जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं तो भाई रेडीमेड वाला यूज़ कर रहा हूँ जो बाज़ार में आता है एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे आप अगर घर में बनाते हैं तो घर में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाई जा सकती है टाइम सेविंग के लिए बाजारी जिंजर गार्लिक पेस्ट और आखिर में हम इसको पकाएंगे जी हाँ हम इसको पकाएंगे मक्खन में वो भी अमूल के आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं कोई अपने पसंदीदा तेल में भी लेकिन जो फ्लेवर अमूल मक्खन में आएगा इस मटन का वो शायद मैंने जो अभी तक खाया उसमें मुझे दूसरे तेल और देसी घी में इतना मज़ा नहीं आया जितना अमूल में आ रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप अमूल में बनाइए बहुत स्वादिष्ट बनेगा और अब हमने इसको लगा देना है ढक्कन और बजा देनी है सीटी तो ये हमने प्रेशर कुकर को लगा दिया है ढक्कन और कम से कम चार सीटी इसको लगेंगे बढ़िया सा पकने में तो लीजिए चार सीटियां हो चुकी हैं कुकर में और अब हटा के देखते हैं ये देखिए ओह हो चार सीटियां और अब हमने इसको इसी मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पकाना है अब हमने इसको मीडियम आंच पे अच्छे से पकाना है एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैंने चार सीटी बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी चार सीटी ही यूज़ करनी है और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते अगर आपको लगता है आपका मटन तीन सीटी में ही पक जाएगा तो आप उसको तीन सीटी ही दीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके पीसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है तो आप एक दो विसल एक्स्ट्रा भी कुकर में लगा सकते हैं तो इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में तो बढ़िया से खुशबू आनी शुरू हो गई है अगर आपने नोटिस किया हो मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला इवन मटन को गालने के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने बटर यूज़ किया था और मटन अपना भी पानी छोड़ता है तो उसी में ये पका है और ये देखिए हल्की हल्की ठीक ग्रेवी सी है इसमें तो ये भी अभी अच्छे से एक एक पीस पे रच जाएगी अच्छे से तो आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुका है तो अब इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का नींबू डालना है और इसको अराउंड एक मिनट और पकाना है तो चलिए इसको अब फाइनल टच दे लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल इसको आप स्नैक्स की तरह खा सकते हैं चाहे आप रुमाली रोटी के साथ खाते हैं हल्का सा पानी डाल लीजिए थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनेगी तो किसी पराठी के साथ नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो ये बिल्कुल तैयार है तो चलिए अब इसको इन्जॉय करते हैं और लीजिए लेमन काली मिर्च मटन जी हां भाई शक्ल देखिए मटन की क्या रंग निखर के आया है क्या बढ़िया पका है और क्या भाई क्या ओह हो, हो और यह था हमारा आज का मटन स्पेशल होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन कुछ भी हो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने सजेशन रिकमेंडेशन देना ना भूलें और अगर आप मुझे अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये स्क्रीन के कॉर्नर पे देखिए मेरे दोनों हैंडल्स आपको दिख जाएंगे जाइए फॉलो करिए और अगर मेरे साथ गप्पे शप्पे है तो इसके थ्रू आप मेरे साथ गप्पे मार सकते हैं होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा जुड़े रहिए मेरे साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के लिए फूड रिव्यूज़ के लिए और चैनल है भूखा आसान थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय